न्यूज बट इंडिया न्यूज चैनल की तरफ से सभी देशवासियों को नवबर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आपको बताते चले हम इस पुलिस अधीक्षक कार्यालय में मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पुलिस अधीक्षक ए एस आनंद जी। आपको बताते चले कि जब से आपने पुलिस शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक का कार्यभार ग्रहण किया है, लगातार अपराधी जो है सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, गैर कानूनी कामों पर लगातार रोक लगाई गई है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि 2021 में आ रहा है, न्यू साल आ गया है, आगे काम करने की क्या रणनीतियाँ रहेंगी। सर बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया चैनल। सर ये बताइए कि आगे की क्या रणनीति रहेंगी। अभी तो पीछे जो रिकॉर्ड रहा है बहुत जबरदस्त रहा है, अपराधी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दहशत में हैं और उन्होंने अपना गैर कानूनी काम को भी छोड़ दिया है, आगे की क्या रणनीति रहेंगी। रणनीति एक ही रहती है, क्राइम पर प्रभावी अंकुश रखना। इसके लिए जो भी तमाम तरीके हैं पुलिस के, जैसे एक तो जनता से अच्छा व्यवहार रखें ताकि जनता के लोग भी आगे आए और ऐसे असामाजिक तत्वों के बारे में, अपराधियों के बारे में पुलिस को सूचना देने में कोई संकोच नहीं ना हो। इसके अलावा अपना एक अभिसूचना तंत्र स्वयं का आदमी को एक डेवलप करना चाहिए। सभी थाना स्तर के अधिकारियों के स्तर पर भी अपनी अपनी एक सूचना तंत्र होनी चाहिए ताकि अपराधियों पर के बारे में, अपराध के बारे में उनको जानकारी समय से मिल जाए ताकि अपराध होने से पहले ही उसको रोक लिया जाए। मेन जो क्रक्स रहता है वो यही रहता है कि जो भी पीड़ित व्यक्ति है वो जैसे ही थाने पर आता है या किसी भी पुलिस अधिकारी के संपर्क में आता है तो प्रयास ये हो कि जो भी उसके अनुसार जो कार्रवाई होनी है ताकि उसके व्यवहार से रिड्रेसल हो पाए वो जरूर किया। सर आपके आने से कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली बैठिए सर आपके आने से पुलिस की कार्यशैली बदली है सर यहाँ पे बहुत सारा। मैं इसका दावा नहीं करता हूँ क्योंकि जब से मैं आया हूँ मैं देख रहा हूँ कोई ऐसी बहुत विशेष उसकी आवश्यकता नहीं हुई। एक जो प्रायोरिटीज है वो जैसे आउटलाइन हो जाती है उसका भी आदमी कार्य करता है। कोई ऐसी पहले भी लोगों के द्वारा अच्छा ही कार्य किया जा रहा था जिस मेरे पूर्वाधिकारी बहुत अच्छे अच्छे काम हुए जैसे उनका, और मेरा भी यही प्रयास था कि वो निरंतरता उसमें बनी रहे और ईश्वर की दया से वो ये थे शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक बताया कि लगातार पुलिस अपना कार्य कर रही है और लोगों से निपटने के लिए कार्य करेगी। न्यूज़ बट इंडिया।